जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान आपका हार्दिक स्वागत करता है। आप अपनी जगह पर खुश रहें ऐसी माता रानी से प्रार्थना करते हैं। आप किसी से बेहद प्यार, बिछुड़ गया है कोई बात नहीं, या आप है अपने गृहस्थ जीवन में पत्नी से पति दूर चला गया है, नहीं हो पाती है बातें, या नहीं करना चाहते हैं बातें, या पत्नी चली गई है मायके, बात नहीं करती है, अपना प्रियजन आपसे बिछुड़ गया है, आप उसे वापस बुलाना चाहते हैं, या खो गया है कोई। बहुत से बच्चे अपने घर से भाग जाते हैं। आप अपने घर बैठे ही उसे, आज मैं जो आपको मंत्र बताऊंगा और विधि बताऊंगा, यह बेहद महत्वपूर्ण विधि होगी, बशर्ते इसे आप अपने अच्छे काम के लिए ही प्रयोग में लाएंगे। है तो ये सिंदूर के द्वारा वशीकरण, तिलक लगाना पड़ता है तो कैसे लगाएंगे, परंतु कोई तिलक को देखे ना देखे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें जो मंत्र है, उस मंत्र में जिस नाम का प्रयोग किया जाएगा, काम तो वह मंत्र करेगा दोस्तों। अब दोस्तों करना क्या है, आपने या तो इस मंत्र को 41 दिन करें, 21 दिन करें तो सुबह और शाम दो समय तक करें, यानी दो समय करना है आपको। 41 दिन करें तो एक दिन करें, एक समय करें, एक माला यानी 108 मंत्र रोज करने हैं। 21 दिन करते हैं तो दो माला हो जाएगी, एक सुबह एक शाम, या फिर इसे आप 7 शनिवार को भी सिद्ध कर सकते हैं। 7 शनिवार का अर्थ होता है केवल शनिवार को करना है। जैसे कि मैंने साबर मंत्र के सिद्ध करने की विधि अपने पहले वीडियो में भी आपको बताई है, बस आप मंत्र को पहले सुन लीजिए और फिर इसकी विधि जान लीजिए। आप इसे करेंगे तो इसका चमत्कारी फल मिलेगा। मंत्र है, ओम नमो आदेश सिद्धि, पलटे अमुक नाम की बुद्धि, सुमेरु पर्वत सो आया, यह सिंदूर गणेशा लाया, जो कोई सिद्धि इसकी रोके, हनुमान के पड़ते सोटे, राजा होए राज सो जाए, प्रजा होए धन पुत्र गवाए, शब्द साचा पिंड कांचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। मंत्र आपकी स्क्रीन पर भी डाल दिया जाएगा, उसमें से उतार लेना, आसान मंत्र है, याद भी हो जाएगा। जब आप इसे करेंगे तो आपने संकल्प अवश्य लेना है। संकल्प में आपको मैंने पहले भी कई बार बता दिया है कि संकल्प कैसे लिया जाता है। अब आप जब बैठते हैं तो पूर्व की ओर मुख करके या उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाएं। अपने सामने कोई भी पट्टा या चौकी लगाएं और उस चौकी पर आप अपने एक पात्र में, चाहे डब्बी हो चाहे कटोरी हो, उसमें जो हम पूजा में सिंदूर प्रयोग में लाते हैं, वह थोड़ा सिंदूर रख लें, जिसे हम हनुमान जी पर भी चढ़ाते हैं। आप समझ गए होंगे सिंदूर के बारे में।
और जब आप वहां पर यह रख देंगे और अपना संकल्प ले लेंगे, तब आपने इस मंत्र को करना है 108 बार करना है, यानी एक माला करनी है। आप इसको यथा विधि अनुसार यदि करेंगे और इसके बाद जब इसको प्रयोग में लाएंगे, तब आपने 3 मंत्र पढ़ करके और अपना तिलक लगा लेना है। यह तिलक कैसे लगाओगे, यानी जब आपके पूरे दिन हो जाए, यह मंत्र सिद्ध हो जाए, तो इस सिंदूर में थोड़ा चमेली का तेल मिला लेना, रख देना किसी में भी डाल करके। अब एक बात का जो ध्यान रखना है वो यह है कि पलटे अमुक नाम की बुद्धि, यहां अमुक जो शब्द आया है, यहां पर वह व्यक्ति जो खो गया है, वह व्यक्ति जो आपका प्रिय है, वह व्यक्ति जिसे आप बुलाना चाहते हैं, वह व्यक्ति जिसे आप वश में करना चाहते हैं, आएगा, कहीं भी आओगे, यहां पर उसका नाम लेना है। अमुक के स्थान पर उसका नाम लेना है, अमुक जब आप सिद्ध करते हैं तब भी लेना है। कई बार पूछ लेते हैं मेरे से कि क्या हम सिद्ध करें तब अमुक ही बोले, नहीं, तब उसका नाम लेना है। ऐसा इस विधि के अनुसार सिद्ध करना है और 3 बार आप मंत्र बोल के तिलक लगाना है सिद्ध होने के बाद। अब आप कहेंगे कि कितने दिन तिलक लगाएं 11 दिन कम से कम लगाएं 3 मंत्र बोल करके, और 11 दिन में आप इसका सटीक प्रभाव देखेंगे। जो जहां भी होगा उसकी बुद्धि अपने आप पलटने लगेगी और आपकी तरफ खींच करके आएगा। दोस्तों, अपने अच्छे काम के लिए ही प्रयोग में लाना है। कई बार ऐसी घर में दिक्कतें आ जाती हैं जिनके लिए यह मंत्र बहुत जरूरी होते हैं करना और इसका पूरा फायदा उठाना। आपके लिए सिर्फ इतना ही, आप अपना लाइक का ध्यान रखें, अच्छा लगे अपने यार दोस्तों में शेयर करें। शीघ्र ही फिर मिलते हैं नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।